Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So you can have a view on the various videos which are available on YouTube. So the videos belong to paper 1 and paper 2 commerce. So if at all your subject 2 paper 2 is commerce and even management, then you can come up over here on my channel and have a look on the videos which are being provided by me. So on Monday, Wednesday and Friday, we have paper 1 MCQ series, and on Tuesdays, Thursdays and Saturday, we have paper 2 MCQ series. Besides that, you can also see I have put up two videos for you. Even if you don't know how to prepare for your NTA NET exam, then you can have a look on it and accordingly you can start preparing for it. And some of the doubts which my students had, they asked me by sending message. So I have prepared a video also on it, and all the doubts I have cleared it in the second video. So both the video are important for you. So please go and watch it. So you can also follow me on Unacademy. I am an educator on Unacademy. Just type my name Hina Jain, and from here you will be getting a follow button. So you can click on it to get notified about my lessons and courses. And besides that, if at all you like the way I teach you, then please do dedicate heads for the same. So this is our commerce MCQ series, starting with question number 21. So I will be talking in English and Hindi both, because I know if the content is in English, so my Hindi learners may have difficulty in understanding English. So I will be speaking in Hindi. The degree of financial leverage reflects the responsiveness. So degree of financial leverage rehta hai, वो रिफ्लेक्ट करता है रिस्पॉन्सिवनेस. अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आता है तो ये इजीली आपको 2 मार्क्स दिला सकता है. ऑप्शन ए ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू. ऑप्शन बी ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी. ऑप्शन सी ईपीएस टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू. और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, उस हिसाब से आप ये आंसर दे सकते हो. सो I am showing you the answer in the next 5 seconds. आपको कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ देना है, इसलिए ये वीडियो लाइव रखा गया ताकि आप फटाफट आंसर्स यहाँ पे देते रहो. सो वीडियो जब एक बार ऑफलाइन मोड पे चला जाए तो कमेंट बॉक्स में आपके स्कोर ज़रूर मेंशन करना, तो मुझे आपका नाम भी पता रहेगा कि आप कौन हो, और मुझे पता रहेगा कि कौन से स्टूडेंट्स रेगुलरली यहाँ पे आके टेस्ट दे रहे हैं. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ ई पी एस, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर इज टू डिवाइडेड बाई क्या होगा ई बी आई टी, दैट इज अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज एडवोकेटेड बाई. सो क्या बोला गया है, जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है वो और जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, वो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे सभी के सभी फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर. तो ये किसके अंदर, कौन से इसके अंदर बोला गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच में, एनआई अप्रोच में, एनओआई अप्रोच में, या एमएम अप्रोच में. सो अगर आपको दिक्कत होती है इन स्टेटमेंट को समझने में तो एक बार मुझे बोल देना, मैं ये तीनों के तीनों आपको करवा दूंगी बहुत ही ईजी फॉर्म में डायग्राम्स के थ्रू, ताकि आप एग्जाम में अगर पूछ भी लेना तो तुरंत उनका डायग्राम ड्रॉ करके आंसर दे सकते हो. तो डाउट है तो ज़रूर बोलना, वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी मैं इसके ऊपर. सो ये आपका जो बताया जाता है, जहाँ पे आपका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कांस्टेंट रहता है और आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका एनओआई अप्रोच में. सो आपको मुझे कमेंट में ये बोलना है कि ये रेलिवेंस थियोरी है या इररेलिवेंस थियोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग एज पर एन पी बी एंड आई आई आर मे अराइज बिकॉज ऑफ एन आई आई आर मे अराइज बिकॉज ऑफ ए साइज डिस्पेरिटी, बी टाइम डिस्पेरिटी, सी लाइफ डिस्पेरिटी और डी ऑल ऑफ द अबव. सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर. सो इट इन्वॉल्व्स ऑल द थिंग्स, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोजेक्ट रैंकिंग between in capital budgeting as per NPV, that is net present value, and IIR may arise because of event size, time and life. So all are included. Next question number 24.
VSET technology is first followed for online trading by. So VSET technology जो है ये सबसे पहले followed की गई थी online trading के लिए, किसने follow किया था? BSE ने, OTCEI ने, NSE ने या ISC ने? So you have to give the answer. So जो VSET technology जो कि online trading के लिए use की गई थी सबसे पहले, वो National Stock Exchange ने use की थी. So option C is your correct answer. Next question number 25. Which of the following is the non-random method of selecting from a population? So इसमें से कौन सा non-random sampling है? So option A is stratified sampling, option B quota sampling, option C systematic sampling या option D cluster sampling. So अगर आपको नहीं पता है random sampling के अंदर क्या आता है, non-random sampling के अंदर नहीं आता है, तो प्लीज़ कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो जो आपका कोटा सैम्पलिंग होता है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एक पार्ट है, बाकी सब आपके रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM? सो इसमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है. ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी कॉम्पेंसेशन और ऑप्शन डी इंटीग्रेशन. सो आपका डेवलपमेंट हो गया, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आते हैं, बट ये आपका प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब आपके मैनेजरल फंक्शंस होते हैं HRM के. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स. सो नॉन स्टोर मार्केटिंग जो होती है वो क्या इंक्लूड करती है? होम सेलिंग, VPP सेलिंग, वेंडिंग मशीन्स या सभी के सभी? नॉन स्टोर का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर आप दुकान नहीं लेके बैठे हो, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? देखो, होम सेलिंग हो जाएगा, मतलब आपके पास स्टोर नहीं तो आप सेल्समैन की तरह घर पे जा जाके बेचोगे. VPP ये भी एक तरीके का नॉन स्टोर मार्केटिंग होता है. उसके अलावा वेंडिंग मशीन आपने देखा होगा, हम ऐसे स्टेशन पे भी देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े लगे रहते हैं जहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक्स आपको सिर्फ नंबर डालना और कोल्ड ड्रिंक्स निकल के आती है उसके अंदर से. तो ये वेंडिंग मशीन्स रहती है. तो ये सब चीज़ एग्जांपल होती है आपके नॉन स्टोर मार्केटिंग के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज. सो मार्केट जो है जिसको सब डिवाइड किया गया है बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो वो कौन सा होता है? सेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, प्रिसीजन या नन ऑफ द अबव? सो ये तो बहुत ही ईजी है, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. वॉट इज MBO? MBO क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो दूसरा एक और लिख लो, MBE. इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है. एंड MBO किसने दिया था और MBE किसने दिया था, ये दोनों भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. तो आपके देख लो चार क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेलिवेंट प्लेस वेरिएबल ऑफ मिक्स मार्केटिंग मिक्स? सो रेलिवेंट प्लेस वेरिएबल किसका मार्केटिंग मिक्स का? ब्रांडिंग है, प्राइस पेनिट्रेशन है, सेल्स पर्सनल मोटिवेशन है या इसमें से कोई भी नहीं है? सो कमेंट में आंसर बताना है, मैं आंसर बता रही हूँ. सो जो मार्केटिंग मिक्स का मोस्ट रेलिवेंट प्लेस हम कह सकते हैं तो वो है सेल्स पर्सनल का मोटिवेशन. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. आउट ऑफ 10 हाउ मच आर यू स्कोरिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हो सके उतना वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप कर लेना, ताकि डेली यहाँ पे बहुत सारे जन आए यहाँ पे एंड डेली बेसिस पे उन्हें भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले. एंड अगर कुछ टॉपिक्स आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करूँगी. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग. वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना.